से क्या बिलीव कर रहे थे वो बताया था, फिर आपको बताया था लाइफ का ओरिजिन, ठीक है बेटा, कि लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट होती है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट को विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन। अच्छा, जहाँ लाइफ ओरिजिन आपको बताया था वहाँ टाइम स्केल भी आपको बताकर गई थी कि टाइम स्केल कौन सा इम्पॉर्टेंट है, किस लिहाज से आपने उसको याद करना है, और आपको सीक्वेंस भी बता दिया था उसका। फिर आपको बताया था पहले किस तरह के बैक्टीरिया थे, उसके बाद कौन से बैक्टीरिया बने, और फाइनली फिर सबसे लास्ट में बने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अगर हम देखें इवोल्यूशन के रेफरेंस से, तो बेटा लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है। ना सिर्फ लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है, बल्कि जो अर्थ का और यूनिवर्स का एनवायरनमेंट है वो भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ इवोल्यूशन में हम बात कर रहे हैं ग्रेजुअल चेंज की, तो बेटा ये ग्रेजुअल चेंज कैसा आ रहा है, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो आपने ये जहन में रखना है, कॉम्प्लेक्सिटी इन्हांस हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आज हम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट को पढ़ेंगे। होप सो आपको बुकलेट मिल गई होगी, हार्ड कॉपी मिल गई होगी, जो न्यू बुकलेट है, बुकलेट नंबर 2। अगर मिल गई है वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिली है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी। ठीक है, बुकलेट नंबर 2 जो बायो की सेकंड बुकलेट है, लेवल 2 है, उसमें मिस जैनब वाला जो सेक्शन है उसमें बेटा आप देखिएगा एवोल्यूशन चैप्टर, उसकी आपको दी हुई वर्कशीट। ठीक है, वो वर्कशीट आपको साथ साथ लेक्चर देती जाऊँगी और कुछ चीज़ें नोट करवाती जाऊँगी। बट उससे पहले एक चीज़ आपको पढ़ानी है, पहले वो समझा दूँ आपको, फिर हम आते हैं बकायदा इस टॉपिक के ऊपर, इसी सीक्वेंस में इसको स्टडी करेंगे। बेटा मैंने आपसे क्या कहा, लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ सिर्फ इस पार्ट को, बोर्ड के इस पार्ट को आपने फोकस करना है फिलहाल, जहाँ से लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक काम कीजिएगा सर, क्या हम बोर्ड को इतना जूम कर सकते हैं फिलहाल, ये जो सेक्शन बना हुआ, बोर्ड हाँ अगर हो सकता है। मैं अभी आप क्लास लेने में पूछ रहा था, स्माइल से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलें छोड़ रहे हैं, इतना ही सही है। ठीक है, अच्छा बेटा नहीं मिली, ठीक है कोई इशू नहीं है, अगर नहीं मिली है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ करा दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं हो, फिर बुकलेट के अंदर खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ ये जो मैंने हेड्स बनाए हुए हैं ना, इन हेड्स के अकॉर्डिंग आपने इसमें फिल करते जाना है। आपकी आसानी के लिए वो वहाँ पर वर्कशीट दे दी थी बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर। परेशान नहीं हो, नहीं मिली कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपने फिलहाल इस पार्ट को फोकस करना है। एक छोटा सा टॉपिक पहले पढ़ा दूँ, बेटा मैंने आपसे क्या कहा, व्हाट डज इट मीन्स बाय इवोल्यूशन। अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है सिंपल फॉर्म का कॉम्प्लेक्स होते जाना। ठीक है, ये मीनिंग हुए इसके। फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको लास्ट क्लास में बताकर गई थी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल की ओरिजिन या फॉर्मेशन कब हुई थी, अगर हम टाइम स्केल के ऊपर चेक करें, सो दैट वाज अबाउट ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन इयर्स अगो, या बिलियन इयर्स बैक। ठीक है, या आप कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा, 1.5 बिलियन इयर्स से भी ज़्यादा पहले हमें क्या मिलता है, हमें सेलुलर लेवल ऑफ लाइफ मिलता है। और आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमी वाले पार्ट में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें फर्दर चेंजेस आते चले गए, और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है बेटा, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया यूकैरियोटिक सेल्स।
ठीक है। अब ये ऐसे ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, इसके लिए भी बेटा हमें मिलते हैं टू डिफरेंट हाइपोथेसिस। आपको वो हाइपोथेसिस याद होने चाहिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको वही समझाने लगी हूँ कि आया वो कौन से दो हाइपोथेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ये मॉडिफाई हुआ किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो बेटा वो दो हाइपोथेसिस हैं, दीज वन, नंबर वन इंजेशन, नंबर वन इंजेशन ऑफ एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और, नेक्स्ट वन इनवैजिनेशन, इनवैजिनेशन ऑफ वॉट, इनवैजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अब ये दोनों वर्ड से समझिएगा, साइंटिस्ट का ऐसा ख्याल है कि उस टाइम पीरियड के ऊपर जितने भी अमीबा लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या अमीबॉइड प्रोकैरियोट्स थे वो एनएरोबिक थे। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए था, उनको अपनी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया चाहिए थे जिनको वो इंजेस्ट करते थे और इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट नहीं करते थे, बॉडी के अंदर यूटिलाइज कर लेते थे। तो हुआ क्या, गौर से सुनिएगा, लेट्स सपोज स्टॉप कीजिए, मैं आपको बोल रही थी कि प्रोकैरियोट अमीबॉइड प्रोकैरियोट्स उस टाइम के ऊपर मौजूद थे। लेट्स सपोज ये अमीबा की बॉडी है, ठीक है, रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ये अमीबा की बॉडी है। अमीबा किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो बेटा ये क्या है, दिस वन इज द अमीबॉइड प्रोकैरियोट। ठीक है, अमीबॉइड प्रोकैरियोटिक सेल जो कितने टाइम पहले था, 1.5 बिलियन ईयर्स से पहले था। ये कैसा था, इसकी प्रॉपर्टी थी एनएरोबिक। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इनकी सराउंडिंग में कुछ बैक्टीरिया मौजूद थे, लेट्स सपोज ये इनकी सराउंडिंग में बैक्टीरिया मौजूद थे। इन्होंने क्या करा, इन अमीबा ने बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया। इंजेस्ट जब करा तो ये बैक्टीरिया आ गया अमीबा की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इंजेस्ट करने के बाद इसको डाइजेस्ट नहीं करा, इसको बॉडी में ही कहीं स्टेबलाइज कर लिया। ठीक है, इंजेस्ट करा, उसके बाद डाइजेशन नहीं हुई, बॉडी में स्टेबलाइज कर लिया, किसने, अमीबॉइड प्रोकैरियोट ने। तो ऐसे अगर आप दूर से देखें तो आपको क्या लग रहा है, अगर मैं आपको दूर से इसका व्यू दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा, ये अमीबा है और अमीबा के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल दिख रहा है, हालांकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, ये क्या है, ये है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनते गए, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नजर आने लगे किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल। एक तो ये हाइपोथेसिस है, ये गेस किया जाता है कि बैक्टीरिया अंदर चले गए और वो कैसे नजर आने लगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की तरह। दूसरा बेटा, दूसरा क्या है, इनवैजिनेशन। अब दूसरा ख्याल ये किया गया, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, अब अमीबा की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रही हूं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की, इनकी जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इनवैजिनेट होना शुरू हुई। बेटा क्यों इनवैजिनेट होना शुरू हुई, अंदर की तरफ इसने पेनिट्रेट करना शुरू करा, ताकि ये क्या कर सके, ताकि ये जितना भी जेनेटिक मटेरियल है
उसको एनवलप कर सके, उसको सराउंड कर सके। जब ये मेम्ब्रेन अंदर इनवेजिनेट हुई और फाइनली एक पॉइंट के ऊपर आकर मीट कर गई, तो आपको क्या लगेगा? नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। आप दूर से देखेंगे आपको ऐसा लगेगा अंदर बन गया है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये इस तरह से पेनिट्रेट कर गई, दोनों तरफ आकर मीट कर गई और इसने सराउंड कर लिया किसको बेटा? जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक कॉपीज को। तो इस तरह से क्या हुआ, लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली गई और प्रोकैरियोट से क्या बन गए? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यस हदीका, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन। इनवेजिनेशन रिपीट कर दें 2338। ठीक है बेटा, बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जैक्टली नूरुसबा 2303, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसिम्बियोसिस। एग्जैक्टली, ठीक है। सिम्बियोसिस क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और अंदर चला गया और अंदर जाकर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप वहां पर फॉर्म हो गया, तो दैट इज नोन एज व्हाट? एंडोसिम्बियोसिस। अभी फिलहाल सिंबोर्ट को टारगेट कर रही हूँ और उसके बाद जितनी भी एडिशनल टर्म्स होंगी एडिशनल बोर्ड्स की, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में क्या, लास्ट ऑफ द चैप्टर में बताऊंगी, एंड ऑफ द चैप्टर में बताऊंगी। अमीबॉइड प्रोकैरियोट के बाद बेटा मैंने लिखा है एन एरोबिक। ये जो अमीबॉइड प्रोकैरियोट थे अकॉर्डिंग टू सिनबोर्ड दे वर एन एरोबिक, ठीक है। नूरुसबा आपको क्लियर हो गया? बेटा मैं लास्ट जब करूंगी ना चैप्टर का एंड जब करूंगी, तो जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो फिर वहां पर दूंगी। अगर अभी देना शुरू कर दूंगी ना हर टॉपिक में, तो फिर होगा क्या, हमारा टॉपिक रह जाएगा। अच्छा ठीक है जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिसने कहा था 2303 आई गेस कि मिस इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, बेटा सुन लीजिएगा इसको। मैंने आपसे क्या कहा, जो बैक्टीरिया थे यहाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? अमीबा की बात कर रहे थे ना, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने क्या करा, अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल था वो एनवलप नहीं होता, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है बैक्टीरिया चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल था उसको एनवलप करने के लिए इन्होंने क्या करा, अपनी सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ पेनिट्रेट करवाया। जो अंदर की तरफ पेनिट्रेशन होती है सेल मेम्ब्रेन की, दैट इज नोन एज व्हाट? इनवेजिनेशन। अब ये जब सेल मेम्ब्रेन अंदर पेनिट्रेट कर गई, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पर आके मीट कर जाती है, ठीक है। जब कंप्लीटली मीट कर जाएगी तो आपको क्या लगेगा, ये तो मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई ऑर्गेनेल बन गया है, कोई स्ट्रक्चर बन गया है। और अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो अब ये आपको प्रोकैरियोट नजर नहीं आएगा, ये आपको क्या नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा यू कैरियोटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही है, तो इस तरह से क्या हुआ, लाइफ कॉम्प्लेक्स होती चली गई। हम बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहे, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल सिलेबस तक कन्फाइन कर रहे हैं। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट करेंगे हम कंपैरिजन। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा बेटा, अब आप सब ने इन डिटेल पढ़ा हुआ होगा, क्या इन डिटेल पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने? आप लोगों ने लमार्क भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, डार्विन भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, चाहे हम वेजमिन की बात करें या डेवरीज की बात करें। कोशिश करेंगे आज चारों को टारगेट कर लें, अगर चार नहीं हो सके तो तीन को तो टारगेट करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपकी क्वेरीज लूंगी, क्वेश्चन लूंगी। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर लमार्क अंडर द फॉलोइंग हेड, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर लमार्क को, और लमार्क का नाम बताने की तो जरूरत नहीं है, जीन बैप्टिस्टे डी लमार्क,
ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, या और भी बड़ा नाम है एंटी डिमोने जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क, ठीक है, कि क्या थे ये फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट जो हैं इनका जो फिनोमेना था लमार्किज्म, लमार्क ने जो थ्योरी पेश की थी उसको हम कहते हैं लमार्किज्म, ठीक है। तो फिनोमेना इज वेल नोन एज वॉट, लमार्किज्म। अच्छा, लमार्क जो है इन्होंने डार्विन से पहले काम करा था, मैं सारी चीजें बताऊंगी पहले आपको, वन बाय वन हम यहाँ पर लिस्ट करेंगे, उसके बाद एक ही एग्जाम्पल से दोनों चीजें समझाऊंगी, लमार्किज्म भी और डार्विनिज्म भी, ठीक है। तो बेटा लमार्क ने जो काम किया, जो भी थ्योरी प्रेजेंट करी, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लमार्किज्म, ठीक। तो साइंटिस्ट हैं लमार्क, एंड फिनोमेना इज वेल नोन एज लमार्किज्म। फिर बेटा इन्होंने कौन से ईयर में काम करा था, इन्होंने तकरीबन 50 साल पहले काम करा था डार्विन से, इन्होंने काम करा था 1809 में, ठीक है। और ये जो 1809 है, दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज प्री डार्विन पीरियड, इसको यहां लिखते हैं, दिस इज नोन एज प्री डार्विन पीरियड, ठीक है। अच्छा, बुक इनकी कौन सी थी, आपको बुक पता होनी चाहिए, सिर्फ मेन चीजें पता होनी चाहिए, पूरी कहानी आपने पढ़ी हुई है और बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवोल्यूशन लमार्किज्म, ठीक है। तो मैं सिर्फ समराइज करती जा रही हूँ बेटा, बुक थी इनकी फिलोसफी जूलॉजिक, ठीक है। उसके बाद थ्योरी, थ्योरी इज वेल नोन एज व्हाट, थ्योरी इज वेल नोन एज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अच्छा जी। उसके बाद है बेटा इनका मेन पोस्टुलेट, इनकी जो पूरी थ्योरी थी वो किसके ऊपर बेस कर रही थी, वो बेस कर रही थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। थ्योरी है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, बुक का नाम क्या है, फिलोसफी जूलॉजी। आपने मिक्स नहीं करना लमार्क और डार्विन को, अक्सर ऐसा होता है मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो आपने मिक्स नहीं करना। फिर उसके बाद इनका मेन बेस जो कर रही थी थ्योरी, वो किसके ऊपर कर रही थी, वो कर रही थी बेटा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। और उसके बाद है पोस्टुलेट्स, कितने पोस्टुलेट्स हैं इनकी थ्योरी के, इनकी थ्योरी के हैं थ्री मेन पोस्टुलेट्स। व्हाट आर दोज पोस्टुलेट्स, नंबर वन बेटा पहला पोस्टुलेट था इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, ठीक है। और चाहें तो आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं, बजाय इसके स्क्रीनशॉट लें, एक बार नोट करेंगे, अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, चीज़ें अच्छे से याद होंगी, उसके बाद जब आप उसको रिपीटेड देखेंगे, दो से तीन बार देखेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी रट्टा लगाने की, और याद भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट लिखा हुआ है आपकी बुक में, मैंने सम अप कर दिया उसको एनवायरमेंटल इफेक्ट के साथ। उसके बाद बेटा नंबर टू, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जो मेन पोस्टुलेट भी था या बेस ऑफ थ्योरी था, यूज एंड डिसयूज, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट था, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ हिज थ्योरी वॉज एडेप्टेशंस, ठीक है। अब हम तो पढ़ते हैं एडेप्टेशंस, ये जब आपको समझाऊंगी वहां पर क्लियर हो जाएगा व्हाट आर एडेप्टेशंस। बेटा इन्हीं एडेप्टेशंस को इन्होंने नाम दिया था इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, मैं दोनों चीजें लिख रही हूँ एडेप्टेशन, या यू मे से इनहेरिटेंस, ठीक है।
इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स, ठीक है, और उसके बाद है ऑब्जेक्शन। अब थोड़ा सा इसको जल्दी से समझते हैं। लमार्क साहब क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे अगर हम में कोई तब्दीली आए, मैं नॉर्मल एक जनरल एग्जांपल बोल रही हूँ, अभी उसके बाद रिलेट करूँगी इसको जिराफ से, ठीक है। अगर हम में कोई तब्दीली आए तो हम क्या करते हैं, जो भी तब्दीली हमारे अंदर आती है, जो भी वक्त की ज़रूरत होती है और हमें उसके लिहाज से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, वो सारी तब्दीली वो या वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे अंदर जो भी अडेप्टेशन आई है या मॉडिफिकेशन आई है, हम क्या करते हैं उसको अपनी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स, के हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के अक्वायर्ड करेक्टर्स को या अडेप्टेशन को, जो उन्होंने किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहते हुए अडेप्ट करे। अब अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, सिर्फ मैंने क्या कहा कि जो भी हमारे अंदर अडेप्टेशन हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रही है, उसको हमने क्या करा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल देती हूँ आपको। आप डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स इनमें आए, जब आप यहाँ पर आए आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता थे, चाहे आप कितने भी लिबरल इन्वायरमेंट से आ रहे थे या कितने भी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट से आ रहे थे, यहाँ जब आप आए हैं तो आपने यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ठीक है, यू हैव टू फॉलो इट। अब जब आपने यहाँ पर फॉलो करना है तो फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास में, फिजिकल क्लास की बात कर रही हूँ, हर टीचर ने अपना अपना ओरिएंटेशन दिया, इंट्रो दिया, ठीक है, और उसमें आपको बताया होगा बेटा मेरी क्लास के ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रही, अपनी बात कर रही हूँ। मेरी क्लास में आपको पता होगा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दो तीन बार इग्नोर करती हूँ, उसके बाद आपको उठाकर बाहर कर देती हूँ, ठीक है, क्लास से आउट कर देती हूँ, या डांटती भी हूँ, या आपसे मैंने कहा कि आप जब भी क्वेश्चन करें तो बाय दी एंड ऑफ लेक्चर करें, ठीक। पहले आपको ये बुरा लग रहा होगा, यूज टू नहीं होंगे, आपको बीच में क्वेश्चन करने की आदत होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप क्लास लेते चले गए आप उसके यूज टू हो गए, ठीक है, आपको पता चल गया मिस जैनब की क्लास है ये रूल्स फॉलो करने हैं, सर हसन फहीम की क्लास है ये रूल्स फॉलो करने हैं, सर जुनेद की क्लास है ये रूल्स फॉलो करने हैं, सर हशाम की क्लास है तो थोड़ा हम इंजॉय भी कर लेते हैं, टॉपिक इतना ड्राई भी नहीं होता, ये रूल्स हैं, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करा, अपने आप को हर क्लास के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, अडाप्ट कर लिया। ये अडेप्टेशन जो है ये आप क्या करेंगे, ये आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, मैं आपकी जनरेशन की बात नहीं कर रही, मैं आपसे कह रही हूँ जनरेशन को थोड़ा सा हटा दीजिए, और जनरेशन की जगह हम एक चीज़ रिप्लेस कर देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। इन्होंने तो जनरेशन की बात करी थी, मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ। अब जब आपके बाद आपका कोई सिबलिंग, छोटी बहन या भाई आपका डॉक्टर्स इनको ज्वाइन करते हैं, तो आप उनको पहले से बताकर भेजेंगे, प्रिपेयर करके भेजेंगे कि मिस जैनब की क्लास होगी ऐसे बैठना है, इन रूल्स को फॉलो करना है, सर हशाम की क्लास है इन रूल्स को फॉलो करना है, सर जुनेद की क्लास है इन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो भी आपके अंदर अडेप्टेशंस आई थी या आपने उनको अक्वायर करा था, वो आपने सारी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी अपने सिबलिंग्स के अंदर, उन्होंने क्या करा आपसे इनहेरिट कर लिया, ठीक है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड करेक्टर्स। उसके बाद ऑब्जेक्शन क्या लगे थे उसकी भी बात करते हैं अभी। प्रोकैरियोटिक सेल के नीचे क्या लिखा है वो तो हो गया, ठीक है। अच्छा लाइबा, आपने लास्ट क्लास में कहा था, लास्ट क्लास में आपने मैसेज किया था कि मिस आप मुझे रिप्लाई नहीं करती, तो लाइबा शायद मैंने उस वक्त भी आपको आंसर करा था और नहीं कर सकती थी, तो मुझे याद आ गया। बेटा आपको आंसर इसलिए नहीं करती, बाज़ोकात ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस ना एकदम नज़रों से गुजर रहे होते हैं, जिसका उस वक्त स्क्रीन पर सामने होता है उसको मैं आंसर कर रही होती हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत बड़े बड़े यहाँ पर क्यूरीज देंगे या क्वेश्चंस देंगे तो बेटा उसको रीड करने का टाइम नहीं होता। आप इतना बड़ा पैराग्राफ अगर लिखें तो फ़ौरन से कोई नया क्यूरी आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, आप उनको अपने एंड पर नहीं आइडिया कर सकते, लेकिन यहाँ कुछ इस तरह से होता है, तो जो नज़र में सामने होता है उसका मैं बिल्कुल आंसर कर देती हूँ।
और जो चीज़ अभी मैंने पढ़ाई नहीं है वो मैं आगे पढ़ाऊंगी तो उसका तो बिल्कुल आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं लेक्चर में उसको इनकॉर्पोरेट करूंगी, आगे पढ़ाऊंगी। तो अगर आप पहले से एडिशनल क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर नहीं करूंगी, ठीक है? होप सो क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अच्छा अरूबा कुछ कह रही हैं, अरूबा का हो गया, सही है। लाइबर नो नीड टू बी सॉरी, ठीक है। अच्छा जी बेटा ऑब्जेक्शंस की बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट फिर आप ऑब्जेक्शंस के साथ ले लीजिएगा। थ्री मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शंस थे जो रेस करे गए थे अगेंस्ट दी थ्योरी ऑफ लमार्क, ठीक है, या अगेंस्ट दी लमार्किज्म। व्हाट वर दोज ऑब्जेक्शंस? नंबर वन ऑब्जेक्शन वॉज मटाइलेशन। The second objection was circumcision, ceremony, या सिर्फ circumcision कर लें उसको, सिर्फ circumcision कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बेटा boring of holes, ठीक है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि आया वो कौन से चेंजेस होंगे जो ट्रांसफरएबल होंगे, आया बॉडी सेल्स के अंदर होने वाले चेंजेस हैं जो ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, या जर्म सेल्स गैमेट्स के अंदर होने वाले चेंजेस हैं जो आया ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया ये सिर्फ क्या कह रहे हैं, एडाप्टेशन, जो भी हम एडाप्ट कर रहे हैं वो ट्रांसफर होगा, मतलब कोई एग्जैक्ट चीज नजर नहीं आ रही, एग्जैक्ट कॉज नजर नहीं आ रही, आया कौन सी चीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं और हर वो चीज जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं क्या सारी चीजें ट्रांसफरेबल हैं। तो नंबर वन जो ऑब्जेक्शन लगाया साइंटिस्ट ने वो क्या लगाया, उन्होंने कहा मटाइलेशन, लॉस ऑफ ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन का लॉस हो जाना ड्यू टू एनी इंजरी या फिर इंसिडेंट एक्सीडेंट। होता क्या है, अगर खुदा ना खास्ता किसी के पेरेंट में कोई लॉस ऑफ ऑर्गन हो, हैंड लॉस हो जाए या खुदा ना खास्ता लेग लॉस हो जाए तो क्या होता है, एम्प्यूटेशन हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने आप को उसका यूज टू बना ले, फॉर एग्जांपल हैंड लॉस हो गया, आर्म लॉस हो गया, उसके बावजूद भी वो काम कर रहा है, तो उसने क्या करा, अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसने तो अडेप्ट कर लिया कि एक हाथ के बगैर भी वो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है और सारे काम कर सकता है। तो खुदा ना खास्ता उसकी जो न्यू जनरेशन है क्या उसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, मटाइलेशन मिलेगा, लॉस ऑफ ऑर्गन मिलेगा? नहीं, उनके यहाँ जो प्रोजेनी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके अंदर तो प्रॉपर ऑर्गन्स होंगे, कोई लॉस ऑफ ऑर्गन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने कॉज नहीं बताया, जो साइंटिस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे आप कॉज बताइए, आया वो कौन सी एडेप्टेशन है, आया वो जर्म सेल्स में होने वाली एडेप्टेशन है या बॉडी सेल्स के अंदर होने वाली एडेप्टेशन है जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है, और क्या सारी ही एडेप्टेशन ट्रांसफर होती है? अब फॉर एग्जांपल जो अभी आपको एग्जांपल दी, आप क्या हर हर बात जाकर अपने सिबलिंग्स को बताएंगे नहीं ये करना है ये करना है ये करना है? नहीं, कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आप देंगे ना कि बेटा ये कर लेना छोटी बहन से या छोटे भाई से, ऐसे बैठ जाना, कॉपी ये लेकर चले जाना, ये चीज़ नोट कर लेना, दैट्स इट। सब कुछ तो नहीं ट्रांसफर करेंगे, तो सारी एडेप्टेशन तो ट्रांसफरेबल नहीं होती। इन्होंने ये नहीं बताया कौन सी एडेप्टेशन ट्रांसफरेबल है और कौन सी एडेप्टेशन ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बेटा सर्कमसिशन। तो जितनी भी मुस्लिम फैमिलीज हैं उसमें सर्कमसिशन होती है, जो बेबी बॉय होता है उसमें कॉप्यूलेटरी ऑर्गन, ठीक है, वो फोर स्किन के साथ होता है, रिमूवल ऑफ फोर स्किन इज सर्कमसिशन सेरेमनी, ठीक है। तो जितने भी मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें तो कंटिन्यूसली होता है, सर्कमसिशन सेरेमनी होती है। तो क्या हमने कभी ये ऑब्जर्व करा कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उसमें बेबी बॉय विदाउट फोर स्किन उसकी बर्थ हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरेशन आफ्टर जनरेशन सर्कमसिशन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो न्यू यंग बेबी बॉय बर्थ होगी उसकी, उसमें हमेशा क्या होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन, उसमें फोर स्किन होगी, ठीक है ना, तो वो भी कंटिन्यूस है। उसके बाद बोरिंग ऑफ होल्स, किसके अंदर बोरिंग ऑफ होल्स, बोरिंग ऑफ होल्स इन नोज एंड ईयर्स। हम देखते हैं कि जितने भी सब कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट या एशियन कॉन्टिनेंट,
इसमें जो फीमेल्स हैं इनमें नोज में बोरिंग होती है होल्स की एंड ईयर्स में होती है. जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है. लेकिन क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व करा कि कोई नई बच्ची जो है उसकी बर्थ हुई हो और उसका ऑटोमेटिकली नेचुरली होल हो नोज के अंदर या फिर एयर के अंदर, उसमें भी बोरिंग करवानी पड़ती है. तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम एक चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बावजूद हमने देखा कि हर एडेप्टेशन न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसफरेबल नहीं होती. तो ये तीन ऑब्जेक्शन थे. और उसके बाद वेजबिन साहब ने क्या करा, वेजबिन साहब ने एक्सप्लेन करा कि लमार जो कह रहे हैं वो कुछ खास एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, हर एडेप्टेशन ट्रांसफरेबल नहीं होती. उन्होंने सेटबैक दिया किसका, लमार्किज्म का. उन्होंने बताया वो कौन से चेंजेस हैं जो हेरिटेबल हैं और कौन से चेंजेस हैं जो हेरिटेबल नहीं हैं, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा. पहले वेजबिन ही पढ़ा दो. अच्छा मुझे 50 के बताइएगा ना टाइम का. अच्छा रीशा कह रही है सर्कमसिशन को रिपीट करते हैं, बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ. मटाइलेशन की एग्जाम्पल बताइए. 2414 लॉस ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, लॉस ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन. एम्प्यूटेड आर्म होता है ना, एम्प्यूटेड आर्म का हो जाना, एम्प्यूटेड लेग्स का हो जाना, ठीक है. एम्प्यूटेशन, ठीक है बेटा, एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेड आर्म, एम्प्यूटेड लेग्स, लॉस ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, ठीक है. या हाथ का खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में ज़ाया हो जाना, या किसी टांग का खुदा ना खास्ता ज़ाया हो जाना, या किसी और बॉडी ऑर्गन का. तो ऐसा तो नहीं होता अगर वो इंडिविजुअल जिसमें लॉस ऑफ ऑर्गन हो गया, गौर से सुनिएगा, ऐसा तो नहीं होता जिस इंडिविजुअल के अंदर लॉस ऑफ ऑर्गन हो गया, अब उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो, उनके यहाँ जो भी बेबी गर्ल या बेबी बॉय उसकी बर्थ हो, खुदा ना खास्ता उसके अंदर भी लॉस ऑफ ऑर्गन हो क्योंकि फादर के अंदर हो गया था या मदर के अंदर हो गया था, नहीं ऐसा तो नहीं होता. हालांकि वो जो इंडिविजुअल है जिसमें एम्प्यूटेशन हो गई, एम्प्यूटेड आर्म हो गया या एम्प्यूटेड लेग हो गई, तो बेटा वो भी सर्वाइव करते हैं और अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सारे काम करते हैं. अगर खुदा ना खास्ता किसी का राइट हैंड नहीं होता वो लेफ्ट हैंड से सारे काम कर रहे होते हैं, किसी का लेफ्ट हैंड नहीं होता तो राइट हैंड से सारे काम कर रहे होते हैं. तो अडाप्ट तो कर लिया ना उन्होंने, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, अडाप्ट कर लिया, उसके बावजूद नेक्स्ट जनरेशन के अंदर तो शिफ्ट नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये मटाइलेशन. म्यूटेशन की एग्जाम्पल तो अभी मटाइलेशन की एग्जाम्पल अच्छा बता दी है, ठीक है लीना. मटाइलेशन को रिपीट कर दिया 2558, होप सो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा, ठीक है बेटा. फिर मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी ऑब्जेक्शन रेज करे गए थे, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं लमार्क भी सही बात कह रहे हैं, डार्विन भी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर ठीक है, वेजबिन भी ठीक है, लेकिन फाइनली सारी थ्योरीज का जो सबसे बेस्ट आउटकम आया वो किसने दिया था, वो डेवरीज ने दिया था. डेवरीज कहें या डीब्राइज कहें एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन जो आप प्रोनाउंस करें, लेकिन बेटा आपने क्या याद रखना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिस्ट किसी पॉइंट पर ठीक था, लेकिन वही बात जब रिसर्च करते हैं तो तनकीद करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, सराहने वाले लोग बहुत कम होते हैं. आप किसी भी प्रोफेशन में ले लें, आप किसी भी जगह ले लें, चाहे आप इंडो पाक की बात कर लें, इंटरनेशनली बात कर लें, आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी रिसर्च करेंगे, तो लोग आपको सराहेंगे कम और उंगली ज़्यादा उठाएंगे, ठीक है, आपके ऊपर तनकीद ज़्यादा करेंगे. तो वो जो लोग तनकीद करते हैं ना, क्रिटिसिज्म करते हैं, उससे कुछ नहीं होता, साइंटिस्ट का कोई लॉस नहीं हो रहा, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही. इसी तरह से एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपका भी कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि बाज़ औक़ात उस क्रिटिसिज्म से हम सीखते हैं. और अगर हम नहीं सीखते, अगर वो कोई गलत बात कह रहा है सामने वाला, तो बाकी लोग उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, ठीक है. तो लमार्क कहीं ना कहीं ठीक थे,
जब बिल्कुल वाइंड अप करूंगी, कंक्लूजन दूंगी आपको सारी थ्योरीज का, वहां बताऊंगी लमार्क कैसे ठीक थे, डार्विन कैसे ठीक थे या वेजमैन कैसे ठीक थे। अब इन ऑब्जेक्शन को एड्रेस किसने करा? वेजमैन ने करा। और वेजमैन ने क्या कहा? ये थ्री ऑब्जेक्शन थे जो आपके सिलेबस तक कन्फाइन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद वेजमैन ने क्या कहा? इन्होंने दी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी, ठीक है, आपने ये याद रखना है। अच्छा, सारी चीजें यहाँ नहीं मिलेंगी, क्या आया, इन्होंने कौन सी बुक में पब्लिश करा था। बेसिकली ये जो थे ये जर्मन थे, ठीक है, जर्मन थे तो इनकी लैंग्वेज भी अलग थी, बुक का नाम भी अलग था। मैंने यहाँ बुक का नाम जो है वो लिख दिया है जर्म प्लाज्म। एक्चुअली ये ऐसे था, ठीक है, जो इनकी रिसर्च थी ये ऐसे था, जर्म प्लाज्म द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, पूरा नाम इनकी बुक का ये था। अगर हम ट्रांसलेट करें, जर्म प्लाज्म द थ्योरी ऑफ ठीक है, और था टेरी टी डैश कैम प्लाज्मा, जो एक्चुअल बुक का नाम था वो था ट्रीटी डैश कैम प्लाज्मा, ठीक है, ट्रीटी डैश कैम प्लाज्मा, जिसको आप ट्रांसलेट करें तो नाम क्या आता है, जर्म प्लाज्म द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। साइंटिस्ट कौन से थे? वेजमैन थे। उसके बाद बेटा फिनोमिनन, इनके फिनोमिनन का कोई खास नाम नहीं था, ठीक है, इसलिए इसको कर रही हूँ ब्लैंक। उसके बाद इन्होंने काम करा था आई गेस 1892, बट मैं इसको एक बार चेक और कर लूँगी, ठीक है। बुक मैंने बता दी यहाँ पर, बुक एक्चुअली नहीं थी, ये ऐसे था। और थ्योरी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, या फिर बेटा आपकी बुक के अकॉर्डिंग जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी, आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ लिख रही हूँ, जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। और उसके बाद है बेटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में ये किसकी बात कर रहे थे? प्रिंसिपल में ये चेंज की बात कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? ये कह रहे हैं चेंजेस आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस होते हैं। सम अप कर रही हूँ उसको, ठीक, ताकि आपको सिर्फ समझ में आ जाए। पॉस्टुलेट्स क्या थे? पॉस्टुलेट्स एज सच नहीं थे, मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, ठीक है। बाकी सब मैं पॉस्टुलेट्स लिखवाऊंगी जहाँ पॉस्टुलेट्स हैं, जहाँ पॉस्टुलेट्स नहीं हैं वहाँ मेंशन कर दूंगी बेटा मैकेनिज्म। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रेस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ मैं आपको बताने लगी हूँ मैकेनिज्म, तो ये याद रखिएगा, हर जगह हम पॉस्टुलेट्स को स्टडी नहीं करेंगे। मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, वेजमैन ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही और वो बिल्कुल समझ में आने वाली बात थी। वेजमैन ने कहा कि भाई दो तरह के चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स भी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें, एक होते हैं बॉडी सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। बॉडी सेल्स कहलाते हैं सोमेटिक सेल्स, और बेटा जर्म सेल्स कहलाते हैं गैमेटिक सेल्स, ठीक है, गैमेट्स। तो हर वो चेंज जो बॉडी सेल्स के अंदर आएगा, सोमा के अंदर आएगा, वो एडेप्टेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी। ये जो आर्म का लॉस होना है या बॉडी ऑर्गन का लॉस होना है किसी भी इंसिडेंट की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, ये किसके अंदर तब्दीली आती है? ये तब्दीली आती है सोमा के अंदर, सोमैटिक सेल्स के अंदर। तो सोमैटिक सेल्स की जितनी भी चेंजेस हैं वो हैं एडेप्टेशंस, वो है एक्वायर्ड करेक्टर्स। आपको जो बजाहिर
आपकी नेचर के अंदर तब्दीली नजर आती है, ठीक है, वो क्या है, आपकी एडेप्टेशन है, आपकी नेचर फॉर द टाइम बीइंग चेंज हो सकती है, लेकिन मुस्तकिल परमानेंट चेंज नहीं आ सकता। जो इनबॉर्न आपके करेक्टर्स हैं, इननेट आपके करेक्टर्स हैं, वो कभी तब्दील नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस वहाँ म्यूटेशन ना हो जाए। तो वेजमैन क्या कह रहे हैं, जितनी भी एडेप्टेशन है, जिनकी बात कौन कर रहे थे, मिस्टर लमार्क कर रहे थे, ठीक है, वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो हेरिटेबल नहीं है, वो नॉन हेरिटेबल है, ठीक है। और अगर ये चेंज आ जाए किसके अंदर, नेचर ऑफ जर्म सेल्स के अंदर, या फिर किसके अंदर आ जाए, गैमेट के अंदर, आप कह लें ओवा के अंदर और स्पर्म के अंदर अगर चेंज आ जाए, तो बेटा ये चेंज हेरिटेबल होता है, ये चेंज ट्रांसफरेबल होता है। तो उन्होंने क्या कहा, एडेप्टेशन ट्रांसफरेबल नहीं होती, लेकिन नेचर ऑफ जर्म सेल्स के अंदर जो चेंज आता है वो ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही थी। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा, इन्होंने रेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस इन्होंने उसकी टेल को कट करा, ठीक है, कंटिन्यूस उसकी टेल को कट करते गए, एक रेड की टेल को कट करा, उसकी जनरेशन आई, उन्होंने देखा वो टेल के साथ प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद उस जनरेशन की जितने भी रेड थे उनकी टेल को कट करा, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को ब्रीड करवाया, प्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर भी उन्होंने क्या देखा कि सरप्राइजिंगली वहां पर भी क्या हो रहा था, रेड टेल्स के साथ प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है। इसी तरह ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये करते गए, उन्होंने क्या बताया, ये जो टेल कटिंग है, टेल को काटना है, ये क्या है, ये एडेप्टेशन है, ये बॉडी सेल के अंदर चेंज है। तो बॉडी सेल के अंदर जो भी चेंज होगा वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं से इनकी जीन्स मॉडिफाई हो जाती तो क्या होता, अगर जेनेटिकली चेंज आ रहा होता तो फिर वो क्या होता, वो ट्रांसफरेबल होता, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ समझाइए सिर्फ वो ही लिख रही हूँ यहाँ पर, क्या कहा इन्होंने, चेंज होता है टू डिफरेंट टाइप का, और सेल्स को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें, सेल्स को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें बॉडी सेल्स को, तो बेटा ये दो तरह के होते हैं, सॉरी, एक होते हैं बॉडी सेल्स और दूसरे होते हैं बेटा जर्म सेल्स। जो बॉडी सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज सोमैटिक सेल्स, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसको हम क्या कह सकते हैं, सोमा, ठीक है। जबकि जितने भी जर्म सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज व्हाट, गैमेट्स या गैमेटिक सेल्स विद रेफरेंस टू स्पर्म एंड ओवा बात कर रहे हैं, और यू नो वेरी वेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है बेटा वो जायगोट से प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये जो चेंजेस होते हैं इनके अंदर जो चेंज एक्वाइर्ड करेक्टर्स, तो ये बेटा कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन हेरिटेबल। कंट्रास्टिंग टू बॉडी सेल्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर व्हाट, जर्म सेल्स। और बेटा जो जर्म सेल्स होते हैं इनके अंदर जो भी चेंज आएगा दैट वुड बी ट्रांसफर एबल, ठीक है, और क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होगा सो दैट इज नोन एज व्हाट, हेरिटेबल चेंजेस। बट यहाँ पर मैं अभी म्यूटेशन का नाम नहीं ले रही, क्योंकि म्यूटेशन आपको कहाँ पर पढ़ाऊंगी, डेवरीज में, ठीक है, स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिएगा। अच्छा, आयशा कुछ कह रही है 2357, ठीक है, प्रिंसिपल समझा दें, बिल्कुल समझा देती हूँ मैं आपको प्रिंसिपल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मारिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी 2357 बेटा आप कह रही हैं कि प्रिंसिपल समझा दूं, प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर प्रिंसिपल बेस कर रहा था, थ्योरी बेस कर रही थी कि एडेप्टेशंस आर नॉट हेरिटेबल। आप चाहें तो लिख सकते हैं एडेप्टेशंस आर नॉट हेरिटेबल, बट पूरे मैकेनिज्म के अंदर भी वही बात हो रही है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, एडेप्टेशंस आर नॉट हेरिटेबल,
ठीक है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, नाम ही बता रहा है जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। हर वो चेंज जो जर्मिनल प्लाज्म में होगा या जर्म प्लाज्म में होगा, ठीक है, हर वो चेंज जो जर्म प्लाज्म में होगा वो हेरिटेबल होगा। बल्कि और खास करके लिख देती हूँ यहाँ पर स्पेसिफिकली थ्योरी से रिलेट कर जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी, चेंज ऑफ जर्म प्लाज्म, ठीक है बेटा। दिस वॉज द प्रिंसिपल और बेस और मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है, दिस वॉज द मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ वेजमैन थ्योरी। और वेजमैन की बुक का नाम आपको बता दिया है ट्रांसलेट करके, जर्म प्लाज्म द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। सैरिश कितनी दफा बताऊं इसको, अच्छा बता देती हूँ, 2525। बेटा बेबी बॉय की जब बर्थ होती है तो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन विद द फोर स्किन, ठीक है, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन में आपको मिलती है फोर स्किन। जितने भी मुस्लिम फैमिलीज हैं उसमें उस फोर स्किन को रिमूव करवा दिया जाता है, ठीक है, रिमूवल ऑफ फोर स्किन ऑफ द कॉप्यूलेटरी ऑर्गन दैट इज नोन एज सर्कमसिशन। अब हर जनरेशन में यही करवाया जाता है, सर्कमसिशन मस्ट होता है रिलीजन के अकॉर्डिंग, मस्ट है सर्कमसिशन बेबी बॉयज का, ठीक है। लेकिन होता क्या है, हर न्यू जनरेशन में जो मेल्स हैं उसमें कॉप्यूलेटरी ऑर्गन फोर स्किन के साथ ही प्रोड्यूस होता है। आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो वहाँ आप पढ़ेंगे कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। ड्यू टू सम रीजन आई एम नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट नेम, ठीक है, मैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन करके ही पढ़ाती हूँ, चाहे रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँ चाहे आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो आप सर्च कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक ही रीज़न हो सकता है क्यों समझ में नहीं आ रहा, मिस ऑल्टरनेट नेम यूज करें, कॉप्यूलेटरी ऑर्गन यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, इसको सर्च कर लेना जितने भी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, और रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ डॉक्टर इरफान आपको इन डिटेल समझा देंगे। ठीक है बेटा, फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, आपकी क्वेश्चन और क्यूरीज ले लेती हूँ मैं।